नमस्कार मित्रों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम परम पवित्र अपामार्जन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद करेंगे। समस्त दुख, रोग तथा पीड़ाओं के निवारण के लिए इस स्तोत्र का प्रयोग आपको जरूर से करना चाहिए। जिस प्रकार सिंह के भय से छोटे मृग भागते हैं, उसी प्रकार इस स्तोत्र से सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही ग्रह, भूत और पिशाच आदि का नाश हो जाता है। अपामार्जन स्तोत्र का प्रयोग करके किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, इसी में आप अपना हित समझें। जो विष्णु भक्त है उन्हें निस्वार्थ भाव से इस स्तोत्र का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा यह सिद्धिदायक नहीं होता। पूर्व काल में ब्रह्मा ने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनि को इसका उपदेश दिया था। फिर पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य को सुनाया था। दालभ्य ने समस्त प्राणियों का हित करने के लिए इसे लोक में प्रकाशित किया। तब से श्री विष्णु का यह अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। यह सब प्रसंग भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने रोग और दोषों का नाश करता है। पुराणों में दो जगह इसका वर्णन मिलता है। प्रथम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण और दूसरा है पद्म पुराण। पद्म पुराण में छठवें स्कंद का 17वां अध्याय इसमें हमें मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य के लिए कहा है, वहीं पद्म पुराण में इसे भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया है। हम आपको विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित अपामार्जन स्तोत्र का अर्थ बताएंगे। दालभ्य ऋषि ने कहा, हे ऋषि, सभी प्राणी विष और रोग आदि के उपद्रव से ग्रसित रहते हैं तथा दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित रहते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। हे महान ऋषि, वे काले जादू से प्रभावित रहते हैं, साथ ही त्वचा के भयानक रोग से भी पीड़ित रहते हैं। हे मुनि, ऐसा कौन सा कर्म, युक्ति या पाठ है जिसके करने से मनुष्य मात्र के विष रोग, ग्रह दोष सभी समाप्त हो जाए और इनसे उत्पन्न होने वाले मनुष्यों को नाना प्रकार के भयंकर रोगों का शिकार ना होना पड़े, उसका वर्णन मुझसे कीजिए। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे दालभ्य ऋषि, जो व्यक्ति भगवान विष्णु को तपस्या द्वारा और उपवास कर प्रसन्न कर लेते हैं, वे लोग कभी भी विष रोग से पीड़ित नहीं होते। जो उन भगवान में रुचि नहीं रखते या अपना मन देवताओं के साथ नहीं रखते, हे दालभ्य ऋषि, वह विष और अन्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। यदि मनुष्य सच्चे मन से चाहे स्वास्थ्य की कामना करे या महान धन की, वह सब भगवान विष्णु की सेवा से निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। उसे किसी भी प्रकार के दुख, रोग और विष की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ग्रहों द्वारा उत्पन्न समस्याएं या बुरी आत्माओं के स्पर्श और डर भी समाप्त हो जाता है। श्री मधुसूदन के संतुष्ट हो जाने पर कभी मानसिक चिंता नहीं सताती है। उस मनुष्य को ग्रहों के द्वारा होने वाली सभी पीड़ा से छुटकारा मिल जाता है। जो जग के पालन जनार्दन को प्रसन्न कर लेता है, उसके समस्त दोषों का नाश हो जाता है। सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं तथा वह मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष बन जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और अपने प्रति जैसा बर्ताव चाहता है, वैसा ही दूसरों के प्रति भी करता है। उसने मानो उपवास आदि करके भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर लिया है। हे महान ऋषि, वह जो प्रभु को प्रसन्न करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। वह रोगों से भी मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार के सुखों का आनंद प्राप्त करता है। न उनके शत्रु होते हैं और न वे चर्म रोग, न ग्रहों और न ही अन्य रोगों से प्रभावित होते हैं और उनके द्वारा पाप कार्य भी नहीं होता। जिसने भगवान विष्णु की उपासना की है, उसका किसी भी प्रकार के शस्त्रों से प्रहार होने पर भी शस्त्र विफल हो जाते हैं, क्योंकि उस मनुष्य को भगवान के चक्र आदि अमोघ अस्त्र हमेशा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। दालभ्य ऋषि ने कहा, जो लोग भगवान गोविंद की आराधना न करने के कारण दुख भोग रहे हैं, उनके जीवन में दयालु व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हे महान ऋषि, मुझे उन वासुदेव के बारे में सब कुछ बताइए जिन्हें मैं समस्त प्राणियों का निवास स्थान मानता हूँ और जो प्रत्येक वस्तु को समता की दृष्टि से देखते हैं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे दालभ्य ऋषि, मैं आपको आपकी इच्छा के अनुसार
यह अपामार्जन स्तोत्र का पाठ सुना रहा हूँ, लेकिन इसके पूर्व न्यास के साथ शुद्धि का महान मंत्र ओम नमो वासुदेवाय यह कहना चाहिए और इसी से पाठ शुरू करना चाहिए, जिससे सभी कलेश दूर होते हैं। विनियोगः। इस अपामार्जन महामंत्र स्तोत्र के पुलस्त्य ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, श्री वराह, नरसिंह, वामन, विष्णु, सुदर्शन देवता हैं। कष्ट हरो बीज हैं, इस बीज की शक्ति गोविंद है, ज्वलंत पावक लोचन कीलक है, वज्र युद्ध नखों का स्पर्श कवच है। वराह, नरसिंह, वामन, विष्णु और सुदर्शन की कृपा प्राप्त करने के लिए पाठ का विनियोग करता हूँ। करन्यास। वराह अंगुष्ठाभ्याम नमः, नरसिंह तर्जनीभ्याम स्वाहा, वामन मध्यमाभ्याम वस्त, विष्णवे अनामिकाभ्याम नमः, सुदर्शनाय कनिष्ठिकाभ्याम वोषट, पंचजन्य करतल कर प्रस्ताभ्याम नमः। अंगन्यास व दिग्बंध। अंगूठे में वराह को नमस्कार है, तर्जनी में नरसिंह को नमस्कार है, मध्यमा में वामन देव को नमस्कार है, अनामिका में श्री विष्णु को नमस्कार है, कनिष्ठिका में सुदर्शन को नमस्कार है, हथेली में आगे और पीछे के पंचजन्य को नमस्कार करता हूँ। वराह, नरसिंह, वामन को नमस्कार है, हृदय को स्पर्श करता हूँ। कमल, केशव, चक्र और शक्ति आदि के वाहक को नमस्कार है, सिर को छूता हूँ। दामोदर और महान अनंत को प्रणाम, कवच बनाता हूँ। कश्यप, ऋग, यजुर और साम वेद को नमस्कार जो चमकते हैं, आंखों को स्पर्श करता हूँ। वास्तविक ईश्वर को नमस्कार जो महान आत्मा और वीण बाणों तुल्य है, हथेली को स्पर्श करता हूँ। मैं सभी दिशाओं को ओम भूर और भुव ओम से बांधता हूँ। अब मैं सभी पापों के विनाश के लिए भगवान के वराह रूप का पूजा और जप के साथ ध्यान करना शुरू करता हूँ। अपनी एक दाढ़ पर समूची पृथ्वी को उठा लेने वाले त्रिमूर्तिपति भगवान वाराह को नमस्कार है, जिन्होंने अपनी इच्छा से इस संसार को उत्पन्न किया, जिन्होंने अपने सभी चल और अचल प्राणियों के साथ पूरे ब्रह्मांड को समुद्र से उठा लिया। मैं नरसिंह भगवान का ध्यान करता हूँ, जिसके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है। ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह आपको नमस्कार है, जिनके बड़े बड़े होंठ हैं, जीभ है जो बिजली की तरह चमकती है, जिसकी आवाज गर्जना के समान है, जिसकी खुली आंखें बड़ी क्रोध दिखाती है, जो बालों के साथ चमक रही है, जो जलती हुई आग की तरह दिखती है और भयभीत करती है, जिन्होंने रक्त से अभिषेक किया है और सभी समस्याओं को दूर कर अपने भक्त की रक्षा की है। अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र वामन का रूप धारण करके भी समूची पृथ्वी को एक ही पग में नाप लेने वाले वामन देव आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनके दाहिने हाथ में दही चावल के साथ एक पात्र है और बाएं हाथ में अमृत से भरा एक पात्र है, जो हमारे सारे दुखों को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। मैं उन तेजमयी भगवान विष्णु को नमन करता हूँ, जिन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है, जो श्वेत शरीर के साथ है, जिसमें हर अंग बहुत कांतिमान हो रहा है, जिनके सिर पर अलौकिक मुकुट शोभायमान है, जिनके कानों में कुंडल विराजते हैं और वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल, पुष्प और नंदक तलवार धारण किए हुए हैं, जो पीले रेशम से अलंकृत और उगते सूरज की चमक के समान चमक रहे हैं। मैं भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र के रूप में देखता हूँ, जो प्रलय के समय प्रचंड सूर्यों के समान चमकते हुए और सारे जगत को अपने प्रकाश से भर रहे हैं, जिनकी लाल आंखें और लाल भूरे बाल हैं, जो अपने शत्रुओं का संहार कर रहे हैं, जो अपने बड़े मुख से गर्जना कर अपने बड़े दांतों को दिखा रहे हैं, जो शंख धारण किए हुए हैं, चक्र, गदा, फूल, मूसल, त्रिशूल, अंकुश, पाश और मूरा जैसे शस्त्र को लेकर अपने शत्रुओं को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वास्तविक महान पुरुष दिव्य आत्मा ओम को नमस्कार है, जिसका कोई रूप ना होते हुए भी अनेक रूप हैं, जो दिव्य आत्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। दोष रहित शुद्ध ध्यान में गहन भगवान को प्रणाम करने के बाद मैं आपको इस स्तोत्र का प्रभाव बताता हूँ, ताकि स्तोत्र आपको प्रभाव दे। जो मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो।
नारायण शुद्ध ब्रह्मांड के भगवान, जो कभी डोलते नहीं, जो आनंद है, जो सभी प्राणियों की देखभाल करते हैं, जिनके नाभि में कमल है और जो कोमल हृदय वाले हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने कछुए का रूप धारण किया है, वह जो ज्ञान के स्वामी हैं, जो हमें कभी गिरने नहीं देते, वह कृष्ण जो रस्सी से भी बंध जाते हैं, जो अनंत है और जो महान आत्मा है। पुरुषों में सबसे महान प्रद्युम्न अनिरुद्ध को नमस्कार है, वह जो योगियों के भी स्वामी है, जो गुप्त है और स्वयं को छिपाते हैं, वह जो दुष्ट लोगों को प्रताड़ित करते हैं, वह जो सांवले हैं, वह जो स्वयं राजा इंद्र के लिए इंद्र है, वह जो लक्ष्मी जी को धारण करते हैं, जिसने तीन पगों से त्रिलोकी को नाप लिया अर्थात त्रिविक्रम, सबके हृदय में रमण करने वाले राम, वैकुंठ धाम के अधिपति, बद्रिका आश्रम में तपस्या करने वाले भगवान नर, वाराह, नरसिंह, वामन और उज्जवल रूपधारी हयग्रीव को नमस्कार है। वह जो राम है, वह जो वैकुंठ और एक महान आत्मा में निवास करता है, वह जो अपने भक्तों का प्रिय है, वह जो दिव्य है, वह जो विश्वक सेनी है, वह जो सारंग धनुष धारण करते हैं, वह जो कभी कम नहीं होते, वह जो तेज है, जो मत्स्य है और जिसने मधु राक्षस का वध किया है, वाराह सिंह पुरुष वामन देव को नमस्कार, जो सभी महान आत्माएं हैं, भगवान वाराह, भगवान नरसिंह, भगवान वामन और त्रिविक्रम को नमस्कार करता हूँ। भगवान हयग्रीव, सभी के परमात्मा ऋषिकेश, आप सारे अमंगल को हर लीजिए। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे अजय भगवान, चक्र जैसे चार अद्भुत शस्त्रों को धारण करने वाले, आपने सभी दुष्ट लोगों का संहार किया है, कृपया संपूर्ण दुखों और समस्त पापों के फलों को रोंद डालिए। दुष्ट लोगों को, दुखों को, बुरे कर्मों और बुरे फलों का संहार कीजिए। बुरी मृत्यु, कारावास, भय, घोर गरीबी और अन्य ऐसी चीजें जो काले जादू के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं, कृपया उनको नष्ट कर दीजिए। ओम वासुदेवाय नमः के साथ साथ सारंग धनुष धारण करने वाले कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। विष कुष्ठ रोग के कारण होने वाली समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर दीजिए। जिसके पास नेत्र है, वह जो आशीर्वाद देता है, चार चक्र धारण करने वाले केशव को, कमल नेत्र वाले को, कमल केसर के समान वर्ण वाले भगवान को नमस्कार है। पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिसने अपनी एक दाढ़ी पर समूची पृथ्वी को उठा लिया, उन त्रिमूर्तिपति भगवान तथा समुद्र में से उसे दुष्ट से मुक्त कराया, उन वराह रूप को नमस्कार करता हूँ। अग्नि यज्ञ के महान वराह को नमस्कार है, जो शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं, जिनके बिखरे हुए केश हैं और अग्नि में तृप्त नेत्र हैं, जिनके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह आपको नमस्कार है, जो कश्यप और अति से पैदा हुए हैं और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से लक्षित है, उन वामन देव को नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान वामन और भगवान वाराह को नमस्कार करता हूँ और उनकी महिमा गाता हूँ, जो सभी दुष्टों और पापों का नाश करते हैं। महान दांत वाले वाराह, नष्ट करो, दुष्ट काले जादू को करने वालों को मारो, मारो। हे भयानक नरसिंह, जिनके दांत बिजली की तरह चमकते हैं, पाप के फलों को नष्ट कर डालिए, नष्ट कर डालिए। विकराल मुख वाले और दांतों वाले, नखों से उद्दीप्त दिखाई देने वाले, पीड़ाओं के नाशक भगवान नरसिंह, आप अपनी गर्जना से रोगी के दुखों का भंजन कीजिए, भंजन कीजिए। हे ऋग, यजुर और सामवेद के अवतार रूप अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र वामन भगवान, सभी दुष्टों को कूटनीति से वश में कीजिए। हे जनार्दन, रात को उग्र दृष्टि से और दिन के समय कोमल दृष्टि से, ज्वर, मृत्यु के भय, भयंकर विष और रोगों से हमारी रक्षा कीजिए। हे लहूलुहान नेत्रों वाले, तीन सिर वाले का रूप धारण करके तीनों भूतों का नाश अर्थात मृत आत्माएं, भूत और राक्षसों का दमन कीजिए। अनिरुद्ध,
प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव जो महान ग्रंथों के अनुसार आदिम है, वह मेरे सभी प्रकार के दुखों को समझते हुए मुझे प्रेम का सुख प्रदान कीजिए और सभी प्रकार के कष्टों को दूर कीजिए और मुझे जीवन के पथ पर चलने हेतु रास्ता दिखाइए जो मुझे अपनाना चाहिए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन या चार दिन का अंतर देकर आने वाले हल्के या भारी ज्वर को, सदा बने रहने वाले ज्वर को, मुझे होने वाले असंतुलन ज्वर का उपचार कीजिए। किसी दोष के कारण उत्पन्न हुए ज्वर को, सन्निपात से होने वाले तथा आगंतुक ज्वर को विदीर्ण कर उसकी वेदना का नाश करके भगवान गोविंद उसे सदा के लिए शांत कर दीजिए। नेत्रों का कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर रोग का कष्ट, अनुच्छ्वास, सांस का रुकना, महाश्वास, सांस का तेज चलना अर्थात दमा, परिताप, ज्वर, बेपथु, कंप या जूड़ी, गुदा रोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कमला आदि रोग, प्रमेह आदि भयंकर रोग, वात रोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान विष्णु के चक्र की चोट खाकर नष्ट हो जाएं। विभिन्न प्रकार के पीलिया और मधुमेह की अत्यंत दयनीय बीमारी का नाश कीजिए। नासूर, दस्त, मुंह के रोग, तेज नाड़ी का रोग, स्मृति हानि, मूत्राशय और अन्य सभी जो भयानक रोग है उनका नाश कीजिए। वायु रोग, रक्ताल्पता और कफ के रोगों को ठीक कीजिए और जोड़ों में होने वाले सभी रोगों का उपचार कीजिए और उनका नाश कीजिए। भविष्य की सभी बीमारियों के साथ साथ कीड़ों के काटने से होने वाली बीमारियों को, फोड़े को नियंत्रण में कीजिए। हे ऋषि, वासुदेव के इस शुद्ध स्तोत्र का पठन करने से कर्क रोग से भी निजात पाई जा सकती है। इन विष्णु के नामों के जप से उन सभी को वश में किया जा सकता है और जो कुछ बच भी जाता है उसे हरि के पवित्र चक्र से काट दिया जाता है। हे धन्वंतरी, हे विष्णु, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंदा, विष्णु और नारायण जैसे नाम मेरे सभी रोगों को पूरी तरह से ठीक कीजिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, अच्युत, अनंत और गोविंद नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं सत्य सत्य और फिर सत्य कहता हूँ कि ज्ञान और विज्ञान की कोई भी किताब वेदों से बड़ी नहीं है और भगवान केशव से बड़ा कोई दूसरा भगवान नहीं है। उस विष का प्रभाव जो स्थाई, अस्थाई या कृत्रिम है, दांत, नख, आकाश तथा भूत आदि से प्रकट होने वाले अत्यंत दुस्सह विष हो, वह सारा का सारा श्री जनार्दन का नाम कीर्तन करने पर रोगी के शरीर से शांत हो जाए। नासूर जैसे रोग, मकड़ियों के काटने और अन्य जहर जो असहनीय हैं, उन्हें भगवान जनार्दन के नाम गाकर नियंत्रण में किया जा सकता है। मेरी ग्रहों, मृत आत्माओं, अच्छे बुरे वाले ग्रहों, भूतों, शैतानों, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों से रक्षा कीजिए। भूतों जैसे डाकिनी, शाकिनी और उन ग्रहों जो भ्रम के प्रभाव में हैं और भीषण क्रूर चेहरे जो नजर आते हैं, उनसे रक्षा केवल भगवान के नामों को जपकर ही हो सकती है। हे ऋषि, भगवान विष्णु के बाल्यकाल की कथा का पाठ करने से क्रूर बिच्छू द्वारा उत्पन्न संकट का नाश होता है। बहुत क्रूर ग्रह और दुष्ट स्त्री की आत्माएं साथ ही शक्तिशाली ग्रहों द्वारा निर्मित परेशानी भी दूर होती है। वृद्धों अथवा बालकों पर जो कोई भी ग्रह लगे हो, वे श्री नरसिंह के दर्शन मात्र से तत्काल शांत हो जाते हैं। भयानक दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाले भगवान नरसिंह देवतियों को भयभीत करने वाले हैं। उन्हें देखकर सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैं। ब्रह्मांड के सभी लोगों की भलाई के लिए अयाल के साथ नरसिंह द्वारा की गई महान गर्जन ध्वनि सभी ग्रहों को कमजोर कर देती है और उन्हें अप्रभावी बना देती है। हे नरसिंह, हे महान सिंह, ज्वालाओं से दीप्यमान मुख वाले महान सिंह रूपधारी नरसिंह, सुंदर मुख और नेत्रों वाले सर्वेश्वर, आप समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। जिनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला है, हे प्रभु, उन सभी बुरे ग्रहों को
कमजोर कर तथा शून्यहीन कर खा जाइए, जिससे उनके प्रभाव नगण्य हो जाए। हे भगवान, कृपा कर सभी बीमारी समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। महान उत्पात, विष, महान ग्रह, क्रूर स्वभाव वाले भूत, भयंकर ग्रह पीड़ाओं से होने वाली परेशानियों को भी नष्ट कीजिए। हथियार से कटे हुए घावों पर होने वाले रोग, चेचक आदि फोड़े और शरीर के भीतर स्थित रहने वाले ग्रह हो, उन सबको हे त्रिभुवन की रक्षा करने वाले दुष्ट दानवों के विनाशक महातेजस्वी सुदर्शन आप काट डालिए, काट डालिए। हे वासुदेव, हे सबकी आत्मा, हे दिव्य आत्मा, इनके सिवा और भी जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रह और रोग हो, उन सबको सबके आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर करे। हे धन्य देवताओं द्वारा वर्दित अच्युत वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप कोई ना कोई रूप धारण करके ज्वालाओं के कारण अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। महान चक्र सुदर्शन भगवान गोविंद के श्रेष्ठ आयुध, तीखी धार और महान वेग वाले शस्त्र, कोटि सूर्य के समान तेज धारण करने वाले महान ज्वालामय सुदर्शन, जिसमें अरबों सूरज का तेज है। हे सुदर्शन, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप तीव्र, असीम और बहुत भारी आवाज से सबको भयभीत करने वाले चक्र हैं। आप समस्त दुखों और संपूर्ण राक्षसों का उच्छेद कर डालिए, उच्छेद कर डालिए। हे सुदर्शन देव, आप पापों का नाश और आरोग्य प्रदान कीजिए। शक्तिशाली तीव्र जर का भी नाश कीजिए। मकड़ी के चढ़ते जहर को काट दीजिए, भयानक से भयानक कीटों को काट दीजिए और तेज ज्वर से लगने वाली प्यास, गठिया के कारण होने वाले दर्द, इन चीजों से राहत दीजिए। हे अच्युत महात्मा नरसिंह, अपनी गर्जनाओं से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सब ओर से रक्षा कीजिए और बहुत भयानक शत्रुओं से मेरी रक्षा कीजिए। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान जनार्दन भूमि पर और आकाश में, पीछे तथा आगे और पार्श्व भाग में मेरी रक्षा कीजिए। देवता, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण विश्व श्री विष्णुमय है। योगेश्वर श्री विष्णु ही सब वेदों में गाए जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से रोगी का सारा दुख दूर हो जाए। समस्त वेदांगों में भी परमात्मा श्री विष्णु का गान ही किया जाता है। इस सत्य के प्रभाव से विश्वात्मा केशव दुष्टों को नियंत्रित कीजिए। जिस प्रकार भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, जिसमें देव, असुर और मनुष्य यह सभी शामिल है, कृपया सत्य का उपयोग करके सभी दुष्टों को नियंत्रण में कीजिए, क्योंकि आपके विचार मात्र करने से हम पापी लोगों से सुरक्षित रह सकेंगे। कृपया सत्य का उपयोग करके सभी दुष्टों को नियंत्रण में कीजिए, जैसे यज्ञों में भगवान विष्णु करते हैं। यह उपनिषदों और वेदांतों में भी बताया गया है। मेरे द्वारा कहे गए सभी सत्य को सत्य होने दो और भगवान ऋषिकेश हम सभी को शांति और शुभता का आशीर्वाद दीजिए। इस सत्य के प्रभाव से विश्वात्मा केशव इसको सुख देने वाले हो। भगवान वासुदेव के शरीर से प्रकट हुए कुशों के द्वारा मैंने इसका मार्जन किया है। इससे शांति हो, कल्याण हो और इसके दुखों का नाश हो जाए। यह गोविंद, नर और नारायण के आशीर्वाद से शुद्ध हो, जिससे शांति हो, कल्याण हो और इससे दुखों का नाश हो जाए। मेरी इस प्रार्थना से मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, मेरे सभी रोग शांत हो जाएं और ग्रहों और विषों के प्रभाव को प्रभु निष्प्रभावी कर दे। मधुसूदन के ध्यान से सभी बुरी आत्माओं से शांति मिलती है और साथ ही सभी बीमारी, ग्रह के बुरे प्रभाव और भय का नाश हो जाता है। शुद्धिकरण की प्रार्थना का यह अस्त्र विष्णु के नाम से सशक्त है और श्री विष्णु के शरीर से निकली यह दुर्भा घास स्वयं भगवान जनार्दन के समान है और अपनी मर्जी से आती है और बिना कुछ छोड़े मेरे बुरे गुणों को नष्ट कर देती है। यह हरि की कृपा ही है जो मैं बिना किसी समस्या के जीवन जी रहा हूँ। इस स्तोत्र से शांति और शुभता मिलती है एवं सभी कष्टों का नाश हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से और इसकी शुभता से सभी बुरी भयानक चीजें नष्ट हो जाती है। भगवान ऋषिकेश के नाम कीर्तन के प्रभाव से सदा स्वास्थ्य की रक्षा होती रही है।
जो पाप जहाँ से हमारे शरीर में आया है वह वहीं चले जाए। हमारी जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं वह इस खारे रूपी समुद्र में मिल जाए और शांतिपूर्ण अस्तित्व और शुभता का परिणाम मिलता रहे। यदि प्राणियों का मन रोगों से मुक्ति चाहता है तो विष्णु भक्त को प्रतिदिन कर्तव्य के रूप में इस अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। निसंदेह यह प्रार्थना जो भी हो दुष्ट घटनाओं के कारण होने वाले सभी दुखों को पूरी तरह से दूर कर देती है और इसलिए यह प्रार्थना सभी प्राणियों की भलाई के लिए कही गई है। सबसे पवित्र दिव्य प्रार्थना के लिए और सभी रोगों के विनाश के लिए जब भी आप यह स्तोत्र करें तो हमेशा ओम नमः जरूर लगाएं। यह स्तोत्र सभी बीमारियों को नष्ट कर देता है और असामयिक मृत्यु से भी बचाता है। इस स्तोत्र का पाठ शुद्ध और शांत मन से कुश के आसन पर बैठकर करना चाहिए। यह स्तोत्र प्रभावी रूप से सभी रोगों, मिर्गी, कुष्ठ रोग और राक्षसों, भूतों और इनके हमले से दूर रखता है। जो व्यक्ति वराह, नरसिंह, वामन और विष्णु का ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं उसके पास यह बीमारी जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती है और यह स्तोत्र सभी दुखों को भी दूर करता है। इस प्रकार अगस्त्य और दालभ्य ऋषि के बीच की संवाद पूर्ण होती है जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित है। अब इसकी आपको प्रयोग विधि बता देते हैं। किसी विशेष महामारी या रोग फैल जाने पर किसी लोटे या पात्र में जल डालकर हाथों में लेकर उस जल को इस स्तोत्र का पाठ करते हुए कुशा से चलाते हुए अभिमंत्रित कर लेवे। फिर इसके बाद इस जल को उसी कुशा से पूरे घर व घर के सभी सदस्यों के ऊपर पूरी श्रद्धा के साथ छिड़के। महामारी या रोग उस घर से पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। यदि कोई रोगी हो तो कुश लेकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करते हुए झाड़ा देवे। भगवान की कृपा से रोगी शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाएगा और भगवान की कृपा प्राप्त होती है।